खबर सरदारपुर से। मामला कुछ यूं है कि करीबन 45 से 50 वर्ष पूर्व मिट्टी की दीवार और चद्दर शेड का बना सार्वजनिक श्री राम जानकी मंदिर रामदास बैरागी मंदिर के पुजारी थे एवं मंदिर की 17 बीघा जमीन भी मंदिर में जो पूजा करेगा वही पुजारी कृषि भी करता था एवं कृषि से जो इनकम होती थी वह पुजारी के पास जाती थी। मंदिर की लंबी चौड़ी जमीन और 17 बीघा कृषि भूमि को देखते हुए पुजारी के मन में कब्जे की भावना जागने लगी। पुजारी कब्जे की नियत में इतना अंधा हो गया कि भगवान के द्वार के सामने ही लेट बात बना दी। जब ग्रामीण जनों ने पुजारी जी से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, भगवान के द्वार के सामने लेट बात मत बनाइए, तब पुजारी जी ने कहा कि यह हमारा मंदिर है, हम चाहे जो करें। इस वर्ष लगातार 4 से 5 दिन की भारी बारिश से जर्जर मंदिर का मलबा और चद्दर आम रास्ते पर आ गए थे। समस्त ग्रामीण जनों ने मिलकर मलबा और चद्दर सेठ वहां से हटाए। पुजारी ने मौका देख एक समुदाय राजपूत समाज के नाम से मोर्चा खोल अमझेरा थाना जाकर राजपूत समाज के 5 लोगों के नाम जद FIR दर्ज कराई कि राजपूत समाज के दबंगों द्वारा मेरा घर तोड़ा गया। पूजा रमेश दास बैरागी एवं उसके रिश्तेदार दीपक बैरागी द्वारा सोशल मीडिया पर राजपूत वर्सेज ब्राह्मण मोर्चा खोल दिया गया। दीपक बैरागी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ब्राह्मण समाज को गुमराह कर धार कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर समाज जनों द्वारा जाकर ज्ञापन सौंपा गया। जब यह बात मीडिया के माध्यम से मोरगांव के ग्रामीण जनों को पता चली तब सभी सर्व समाज के ग्रामीण जन सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास पहुंचे व ज्ञापन सौंपा। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। सारे लोग आए सर, सार्वजनिक मंदिर है गाँव का, ना रमेश दास जी बैरागी ने कब्जा कर रखा है और गांव वाले ने इनकी सभी समाज वाले ने उसको साफ सफाई कर दी इसके। तो वो तो बोला जा रहा है सिर्फ एक ही समुदाय राजपूत समाज के दबंगों द्वारा, पूरे समाज के ST SC OBC सभी सार। आपका नाम? जगदीश अजरावत सरपंच। कौन से गांव के सरपंच हैं आप? मोरगांव। और मंदिर कहाँ पे है? मोरगांव। सारे लोग विज्ञापन देना है। हम मंदिर का मामला में आए सर, और हमारे गांव का मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है और पंडित के द्वारा कब्जा कर रखा है, उसमें ये है दिक्कत आ रही है हमका, पूरी तरह से मंदिर खरखर हो रहा है और मंदिर और जमीन का भी है, तो जमीन पे कब्जा कर रखा है और इनके साथ साथ पूरा मंदिर पे भी कब्जा कर रखा है और लेटरिन बाथरूम वहाँ पर पूरी तरीके से सामने है और हम पूजा करने जाते हैं तो बिल्कुल हमको बैठने की जगह नहीं है, इस व्यवस्था में हम क्या करेंगे? हम इसलिए इसका साफ सफाई करने के लिए और मंदिर निर्माण के लिए अनुमति की एक शासन मामला है। सार्वजनिक मंदिर है और पूरा धसने जैसा हो रहा है, भगवान के सामने शौचालय बना रखी उन्होंने पंडित जी ने, और कहने गए तो गाली गलौज करने लगते हैं और आए दिन विवाद करते हैं। इस मामले में हम साहब के यहाँ आए, अपने SDM महोदय के साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कौन कौन सा समाज के आए हैं? आपका क्या सभी नाम? समाज के सभी वर्ग के। आपका नाम क्या? हीरालाल पाटीदार। सर ये श्री राम जानकी मंदिर का मामला है जो पुजारी द्वारा अवैध कब्जे में लिया गया है और इसका मामला भी न्यायालय में चल रहा है अभी। वहाँ पर अवैध कब्जा बहुत दिनों से उनका, और गांव वालों को हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, पूजा अर्चना के लिए जाते तो रोकता है कि मेरा निजी मंदिर है, इस संबंध में बोलता रहता और शिकायत करता रहता प्रशासन को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे अभी वर्तमान में तीन चार दिन पहले एक दीवार गिरी जो बहुत जर्जर अवस्था, पूरा मंदिर जर्जर अवस्था में था, जो बारिश अधिक धार्मिक राम मंदिर मुद्दा है हमारे मोरगांव में, जो कि 5-6 दिन की वर्षा के उपरांत एक दीवार गिर गई है और वहां पर रामदास बैरागी द्वारा मंदिर पे अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि उनको हमारे गांव में हमारे आने वाले जो पूर्वज की पीढ़ी उनको केवल एक मंदिर की पूजा करने के लिए रखा गया था, परंतु उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पर। इसी संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं और अवैध कब्जे को हटाने के लिए इनकी प्रार्थना करते हैं। आपका क्या नाम है? श्री सिंह चौहान। ज्ञापन दिया गया है मोरगांव की ग्रामीण जनता द्वारा कि वहाँ पे जो शासन संधारित मंदिर है वो जर्जर होने से गिर गया है और किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पे कुछ असामाजिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मंदिर जीर्णोद्धार की उनके द्वारा मांग की गई है, तो
जैसा कि पूर्व में भी श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा सचिव